वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जम्मू कश्मीर से एक बार फिर से बड़ा अपडेट आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताने चले कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो 6 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। उधमपुर ईस्ट से रणवीर सिंह पठानिया जो है बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, और इसी के साथ साथ आपको बताने चले कि कठुआ से जो है वो भारत भूषण जी, बिश्नाथ से जो है वो राजीव भगत जी, जबकि बहु असेंबली सीट से विक्रम रंधावा जी जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। मढ़ असेंबली सीट के हवाले से बात करें तो यहां से सुरेंद्र भगत जी को जो है वो टिकट दी गई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले, क्योंकि लगातार हर कोई जो है वो बीजेपी के इस लिस्ट का जो है वो इंतजार कर रहा था, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने ये लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, जिसमें आपको बताने चले कि 6 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट जो है वो जारी की गई है, जिसमें करना जो असेंबली सीट है वहां से जो है मोहम्मद अदरीस करराही जी जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और हंडवाड़ा से श्री मोहम्मद गुलाम मोहम्मद मीर की बात करें तो वो जो है वहां के कैंडिडेट हैं। इसी के साथ साथ सोनावारी से अब्दुल रशीद खान जी, और बांडीपुरा से नसीर अहमद लोन जी, और गुरेज असेंबली सीट से फकीर मोहम्मद खान जी होंगे। लेकिन उधमपुर ईस्ट असेंबली सीट के हवाले से बात करें तो इसको लेकर ये कहा जा रहा था कि इस सीट से जो है वो कई सारे ऐसे पुराने चेहरे थे, यहाँ पर बीजेपी से पवन खजूरिया जी का नाम भी सामने आ रहा था कि वहां पर उन्हें टिकट मिलेगी, लेकिन ऐसे में आपको बताने चले कि बीजेपी की तरफ से जारी की गई ये 6 लिस्ट जो कि 6 कैंडिडेट्स के, इसमें नाम जो है वो दिए गए हैं, जिसमें रणवीर सिंह पठानिया जी पर जो है वो पार्टी ने भरोसा किया है। क्योंकि रणवीर सिंह पठानिया जी के हवाले से बात करें तो इससे पहले वो रामनगर से एमएलए भी रह चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्हें उधमपुर ईस्ट जो असेंबली सीट है वहां से टिकट जो है वो दी गई है। और इसी के साथ साथ कठुआ असेंबली सीट के हवाले से बात करें जो कि यहां से जो है वो डॉक्टर भारत भूषण जी को जो है वो टिकट दी गई है, और बिश्ना असेंबली सीट के हवाले से बात करें जो कि रिजर्व है, यहां से भी जो है वो राजीव भगत जी को जो है वो बीजेपी द्वारा जो है वो टिकट दी गई है। बहु असेंबली सीट के हवाले से विक्रम रंधावा जी जो कि लगातार बहु के असेंबली सीट के हर एक घर घर में जाकर जो है वो लोगों से ये कहें कि उनकी परेशानियों को सुन रहे थे, और जनसंपर्क अभियान उनका वहां पर चल रहा था, लेकिन आखिरकार वहां से बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। और मढ़ असेंबली सीट के हवाले से बात करें तो सुरेंद्र भगत जी को वहां पर जो है वो टिकट दी गई है। ये कुछ लिस्ट है जो कि मैं आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसमें विक्रम रंधावा जी के नाम की बात करें तो इसमें आपको उनका नाम भी जो है वो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उधमपुर असेंबली सीट के हवाले से बात करें तो यहां पर रणवीर सिंह पठानिया जी को जो है वो यहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट दी गई है। तो आप जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें कि ये जो टिकटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जारी की हैं, तो इन सब लोगों को लेकर आप सब लोगों का क्या कुछ कहना है, और आप क्या चाहते हैं कि आपके एरिया का जो एमएलए है वो जो है वो कौन बनना चाहिए। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का प्रोफेसर अभिषेक के साथ, नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।